बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल वाइट फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सब की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मेहंदी की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और जो मैं चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ के बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चैलेंज टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए मेहंदी का व्लॉग लेके आई हूँ, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो यहाँ पे जी आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया था, मतलब कि जब सुबह हम उठे थे तो लाइट ऑफ थी, सुबह 6 बजे की गई हुई थी लाइट, तो लाइट नहीं आना था जी दोपहर में 3 बजे, तो आज लाइट का परमिट था। इस वजह से जो है ना सबको पहले ही भाई ने बोल दिया था, हालांकि कि अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लें, तो सबने एक दिन पहले ही आपसे ज़्यादा जो है ना सबने काट लिए थे, हम लोगों ने भी अपने काट लिए थे जो पहले गए हुए थे सब गेस्ट ने। तो फिर जो है ना हम यहाँ पे सुबह सुबह ना बारिश हुई थी, तो इस वजह से ना काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप वगैरह भी अभी इतनी नहीं थी निकली हुई, तो हम जो है ना सुबह सुबह यहाँ पे छत पे आए थे। तो हालांकि घर की बैक साइड पे ना पार्क है, तो हाफ से ज़्यादा जो गेस्ट है ना वो पार्क में चले गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से कि घर में ज़रा गर्मी हो रही थी, तो उधर जो है ना मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह जो है ना सारे पार्क वगैरह में इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मौसम भी हुआ था। तो हमने शुक्र किया कि शादी के दिनों में मौसम बहुत अच्छा था, डेली के डेली रात में बारिश हो जाती थी और सुबह टाइम जो है ना मौसम सही हो जाता था। तो ये भी अल्लाह का एहसान होता है, गर्मियों में अगर शादी हो तो रात टाइम में ये हो जाए या फंक्शन गुजर जाए, तो फिर कोई इस तरह की बारिश वगैरह या हवाएँ चल जाएँ, तो ये भी अल्लाह का एक करम होता है। तो हमने तो दुआएँ मांग मांग के जो है ना ये अल्लाह से ली थी कि अल्लाह मियाँ मौसम अच्छा रहे, गर्मी बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो जहाँ पे गैदरिंग हो और गर्मी ना हो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे बच्चे झूले वगैरह ले रहे थे जो मैं आपको दिखा रही थी, फिर नीचे से आवाज़ आ गई कि नीचे आ जाओ नाश्ता आ गया, भाई नाश्ता लेने गए हुए थे, तो तभी हम जो है ना ऊपर चले गए थे, तो नाश्ता आया फिर सबको नीचे बुलाया, और जो पार्क में थे उनको भी बुलाया कि आए सब लोग नाश्ता कर लें, लेकिन यहाँ पर हम अंधेरे में नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो है ना ये नाश्ते का बस छोटा सा क्लिप बनाया। सब लोग यहाँ पे बैठ के तो खाना वगैरह खा रहे थे, खाना खाने के बाद जी हमारी बारी आ गई थी मेहंदी लगवाने, क्योंकि हमने नहीं थी लगाई हुई, तो भाभी क्योंकि अभी कल ही आई थी, फिर नाइट में जो है फंक्शन थे 2-3, इस वजह से जो है ना रात को टाइम नहीं था मिला लगाने का। तो फिर सुबह भाभी कह रही थी मॉर्निंग में मैं आपको लगा दूँगी, यहाँ पर सबसे पहले मेहंदी लगवाने के लिए मैं ही बैठी थी, मैंने कहा पहले मुझे लगा दें फिर दूसरों को लगाई, आपी ने भी लगवानी थी, मेरी कज़न ने भी लगवानी थी, मैंने भी लगवानी थी, मेरी बड़ी आपी ने भी लगवानी थी, बच्चों ने भी, इस तरह से जो है ना सबको मेहंदी लगने में भाभी कहती हैं, इसलिए मैं अपने हाथों पे घर पे लगा के आई थी, क्योंकि मुझे पता था उधर जाके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना। तो यहाँ पे साहब मुझे कह रहे थे उठ जाओ तुम क्या अब इतने बड़े बड़े मेहंदी के जो है ना हाथ बनवा रहे हो, मैंने कहा भाभी खुद ही बना रही हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनवा रही, भाभी ने खुद ही जो डिज़ाइन मैंने तो नहीं बोला है खुद ही उन्होंने जो है ना बना दिया, आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसा लग रहा है मेरे हाथ पे मेहंदी, अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे जो है ना अशरफ फातिमा जिद कर रही थी कि जैसे कि खाला की मेहंदी लग रही है सेम मैंने ही वैसे की मेहंदी लगवानी है, सेम मैंने वैसे की मेहंदी लगवानी है। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी हो चुकी थी मुकम्मल, अब जो है ना आपी की बारी आ गई थी, ये देखें जी कितना प्यारा मेहंदी लगी थी, भाभी मेरी बहुत ही प्यारी जो है ना मेहंदी लगाती हैं, तो इसलिए हम घर से नहीं थे लगवा गए, हमने बोला कि उधर भाभी आएंगी तो उधर से ही जो है ना लगवा लेंगे। मेरी भांजी कह रही थी हाला आप मेरे हाथ के साथ हाथ रखे देखते हैं किसकी प्यारी जो है ना लग रही है, तो फिर बाद में कहती है आपने जो है ना अभी आपकी न्यू लगी है, तो मेरी जो है ना कल की लगी हुई है, क्योंकि वो घर से ही लगवा के आई थी तीनों बहनें, तो लगी हुई है देखो मेरा कलर जो है ना लाइट हो गया आपका डार्क, मैंने कहा अभी मेरा जो है ना ऊपर मेहंदी भी लगी हुई है उतरी नहीं है, इस वजह से ज़्यादा जो है ना डार्क लग रहा है। उसके बाद ये आपी की बारी आ गई थी, यहाँ पे जो है ना आपी मेहंदी लगवाई थी, आपी ने दोनों हाथों पे जो है ना सेम डिज़ाइन बनवाया था, मैंने जो है ना अलग अलग बनवाया था, हैल भाभी ने बनाया था खुद ही, लेकिन उन्होंने अलग अलग बनाया था, फिर आपी ने कहा था कि नहीं मैंने दोनों हाथों पे सेम बनवाना, क्योंकि आजकल ये डिज़ाइन इन हुआ हुआ है कि दोनों हाथों पर सेम मेहंदी का। उसके बाद यहाँ पे अशरफ फातिमा देखें जी शरारतें कर रही थी, अब बारी आ गई थी जी खाने की, यहाँ पे जो है ना दोपहर में जो है ना सब लोग जो है ना यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बिरयानी बनाई थी, तो वो जो है ना सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं, खाना खा के तो फिर भाई बोल रहे थे कि सब लोग रेडी होना स्टार्ट हो जाओ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाना है, तो फिर अभी कुछ लोगों के कपड़े वगैरह भी इस्त्री होने वाले थे। यहाँ पे तकरीबन जब हम ये खाना खा रहे हैं तब 5 का टाइम हो गई, तो फिर नाइट में जो है ना हमने फंक्शन पर भी जाना था, लेकिन हमारा फंक्शन मेहंदी का लेट था, हमने हाल जो है ना 9 से जो है रात के मतलब के लेट नाइट तक हमने करवाया हुआ था, इस वजह से। तो यहाँ पे साहब अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं, आप लोगों ने बताना किसकी मेहंदी ज़्यादा प्यार लग रही है। देखिए अशरफ फातिमा ने सेम मेरे जैसा डिज़ाइन बनवाया हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया,
तो यहाँ पे सारी मेरी भांजियाँ भतीजियाँ मिलकर जो है ना अपने अपनी मेहंदी दिखा रहे थे। सबकी मेहंदी कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। उसके बाद यहाँ पे जी सब लोग खाना वगैरह खा रहे थे तो फेस किसी का मैं दिखा नहीं थी सकती, इसलिए जो है ना मैंने इस तरह से थोड़ा सा ना क्लिप बनाया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पे ना हम पांच लोग मिलकर खाना खा रहे थे एक डिश में, क्योंकि ये कभी कभी ये टाइम आता है सब मिल बांट के खाना होता है, तो फिर कह रहे थे सब हमने एक में खाना। तीन मेरी भांजियाँ थी, एक मैं थी, एक अशर फातिमा थी, हम पाँचों जो है ना मिलकर जो है ना खाना खा रहे थे एक ही डिश में। तो सब कह रहे थे आप लोग एक में ही खाने लागे, वैसे उन्होंने हमें दो में डाल के दिया था, लेकिन हमने कहा नहीं हमने एक में ही खाना है। फिर हम सब जो है ना एक में ही जो है ना खाना हमने जो है ना स्टार्ट कर लिया था। तो पहले हमने एक डिश में सारा खाया, फिर दूसरी डिश जो है ना हमने वो भी इसी में ही ऐड कर ली थी, ताकि जो है ना मिल के जो है ना इसमें ही खा लेते हैं सबके सब। फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद सब रेडी होने लग गए। तो यहाँ पे देखें जी भाई रेडी हो चुका है, इसको मैं आपको फाइनल लुक अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि इसने हाल में जाके मुझे काबू नहीं था आना। तो बाकी सबकी मैं आपको ना हाल में जाके दिखाती हूँ, जिस जिसके यहाँ पे मौजूद है उनकी मैं दिखा दी। ये मामा ने ये ड्रेस पहना है, आप लोगों ने सबको देख के माशाल्लाह जरूर कह देना माशाल्लाह से सब बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मेरा भतीजा है, रेडी होकर देखे कितना प्यारा लग रहा है, और ये भी मेरा भतीजा और एक मेरा भांजा है। सारे इंतजार कर रहे थे गाड़ी का, क्योंकि हाफ से ज़्यादा गैस जो है ना वो चले गए थे। जैसे जैसे सब रेडी होते जा रहे थे, गाड़ियाँ जो है ना सबको उतार के आ रही थी। दो गाड़ियाँ हमने लगवाई हुई थी, जो कि सबको यहाँ से घर से जो है ना हाल में लेके जाएंगे। जितने भी हम लोग भी गए हुए थे, वो भी जो हालांकि मतलब के ससुराल वाले थे, वो भी उनको गांव से भी लेके आना था, सबको जो है ना गाड़ियों ने लेके आए थे। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग बस रह गए थे, हमारी फैमिली थी और जो है ना भाभी थी, भाई थे, बस यही थोड़े से रह गए थे, बकाया सब लोग जो है हुए थे। तो ये मेरी भतीजी, आप लोगों ने माशाल्लाह जरूर कह देना, सब बच्चों को देख के आप लोगों ने बताना कैसी लग रही है। इसका ड्रेस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने बोला था जब पहनेगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि सबके ड्रेसेस वगैरह जो जो जिसने क्या क्या पहना है वो सारा कुछ मैं आप लोगों को ना हॉल में जाके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जब रेडी हो रही थी तभी जो है ना सब लोग चले गए थे। तो सबके जो है ना मैं आगे हॉल में जाके आपको दिखाऊंगी, वो भी आप लोगों ने लाजमी आगे वीडियो देखनी है। तो यहाँ पे जी हमारी गाड़ी आ गई थी, फिर हम जो है ना हॉल में जाने के लिए रेडी हो गए। तो यहाँ पे अशर फातिमा सोई हुई थी, इस वजह से ना जब हम नीचे लेके आए ना तब ये उठ गई थी। तो फिर आपी ने इसको सोए सोए रेडी किया था, कंघा वगैरह इसका करने वाला था, वो भी नीचे आके किया। नीचे करने के बाद तो अब जो है ना अभी भी ये सुस्त सुस्त है, उठ नहीं थी रही, ये सोई हुई थी। तो आपी कह रही थी अब उठ जाओ, हम जो है ना हॉल में जा रहे हैं, क्योंकि इसे सोए हुए को उठा के ले जाते ना फिर हॉल में जाके इसे ज़्यादा तंग करना था, इस वजह से जो है ना हमने इसको उठाया था कि उठ जाओ। तो जो कुछ पहनना मतलब कि इसको जूली वगैरह भी अभी पहनाने वाली थी, इस वजह से जो है ना हमने इसे रेडी किया। फिर यहाँ पे मामा मैं और आप ही बैठे हुए थे, आगे मामू बैठे थे, अभी जितने भी गेस्ट रह गए थे वो सब पीछे बैठे हुए हैं। तो पीछे मैं दिखा नहीं थी सकती क्योंकि फेस वगैरह ना किसी का आ जाता है। तो इस तरह हम करते करते जी मार्केट में पहुँच चुके हैं। एंटर होते ही जो है ना मैंने वीडियो का स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि पहले ही मेरा कैमरा ऑन था, जैसे कि गाड़ी में मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने यहीं से स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम जो है ना मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम बैक साइड पे जा रहे थे, ये हम फ्रंट पे थे पहले खड़े। तो बाद में पता चला जी हमने बैक साइड पे जाना है। तो सबसे पहले आप मार्केट देखें जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी, डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी थी और जो है ना वैसे भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे सारे गेस्ट तकरीबन आ चुके थे, हमारे बाद में भी काफ़ी आए थे लेकिन हमारे जाने से पहले भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं सबकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ देखें जी ये आपी देखें कैसी लग रही हैं, ये आपी का ड्रेस है जो कि हमने बनवाया था, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया लेकिन पहना हुआ अब शेयर करी मुकम्मल कि हमने किस तरह से जो है ना स्टिच वगैरह करवाया। नीचे हमने क्रश वाले गरारे बनवाए थे, ऊपर ये हमारी शर्ट थी और शॉकिंग कलर के हमारे दुपट्टे थे। और यहाँ पे सबको मैं बोल रही थी कि साथ साथ खड़े हो जाओ, मैं सब लोगों के जो है ना ड्रेसेस वगैरह आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप सबको जो सब पहनेंगे ना सब दिखाऊंगी कि सबको किस तरह के ड्रेस स्टिच करवाएं, किस तरह के लग रहे हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे ये आपी का और भाभी का सेम था जो कि उन्होंने एक जैसा बनवाया था, और ये मेरी कज़न और साथ में जो है ना आपी खड़ी हैं और इन दोनों के सेम थे, इन जैसा ही सेम मेरा भी था। और ये अशर फातिमा जो है ना अभी सोई हुई उठी थी, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी थोड़े साथ साथ होकर खड़े हो जाओ, पूरे कैमरे में आप आ ही नहीं रहे। और ये मेरी भांजी और मेरी भतीजी दोनों आप लोगों ने बतानी है कैसी लग रही हैं, माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद फिर आपी को बुला लिया था तो वो चली गई थी दोनों। तो ये मामा आ गई हैं, ये मामा का मैंने पहले भी आपको ड्रेस दिखाया, आप जो है ना इनकी फाइनल लुक देख रहे हैं। ये हाला का ड्रेस है, ये जो हाला ने ड्रेस पहना हुआ है ना ये मामू लेके आए थे, मतलब के जो कल गिफ्ट वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, जो सब ड्रेस वगैरह लेके आए, जिसने वो वीडियो देख लिया बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं देखी ऊपर लिंक शो है आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये वाला ड्रेस लेके आए थे, फर्स्ट डे जो है ना उन्होंने वही ड्रेस पहना था।
उसके बाद जी यहाँ पे देखें ये मेरी और आपी की फाइनल लुक है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। उसके बाद ये मेरी भांजियाँ, इनके भी ड्रेस आपको याद हो तो हमने ड्रेसेस लिए थे जब ये शॉपिंग करने के लिए आई थी। जिस जिसने वो वीडियो देख ली है वर्णी शॉपिंग सीरीज वाली उन सबका बहुत शुक्रिया। जिसने नहीं देखी हुई मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं, आपको वो वीडियो भी बहुत ही अच्छी लगेंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी, पता चलेगा किस तरह से हम लोग जो है ना शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जी ये देखें ये इनको मैं बोला थोड़ा चल के आओ तो ये जो है ना इस तरह से। उसके बाद जी ये मेरी भाभी और साथ में मेरी तीनों भतीजियाँ हैं, इनकी भी आप लोग लुक चेक कर लें। इन सब ने जो है ना ब्लैक कलर के ड्रेस पहने थे तो बहुत ही प्यारे सबको लग रहे थे। ये दोनों जो है ना छोटी और ये इसके साथ जो है ना स्किन दुपट्टे वाली, ये दोनों सिस्टर है और जो इस साइड पे है ना वो मेरी छोटी भाभी और साथ में उनकी बेटी है। उसके बाद ये सारे जो है ना ये भी मेरे भतीजे हैं जो मेरी बड़ी हाल है ना उनके पोते हैं, मतलब कि ये दोनों एक बड़े वाला और एक जो सबसे छोटे वाला, ये दोनों भाई हैं और दूसरा जो है ना वो बड़े भाई का बेटा है। उसके बाद जी ये मेरे भतीजे और भतीजी हैं, इनका फोटोशूट हो रहा था। सबसे टफ काम था इन सबको चुप करके यहाँ पे खड़ा करना एक साथ, लेकिन ये जैसे ही एक पिक बनी नहीं तो इन दोनों ने भागना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद जी यहाँ पे सब लोग बस इस तरह से बातें वगैरह कर रहे थे, खड़े हुए थे। और ये मेरा भांजा है, ये देखें जी इसको क्या हुआ था कि पार्क में चोट लग गई थी तो इस वजह से ये अपनी मामा को तंग कर रहा था, तो इसको ना बाजू पे झूले से गिरा था तो चोट लग गई थी मेहंदी वाले दिन। बच्चों को अगर चोट वगैरह लग जाए तो उन्होंने माओ को ही तंग करना होता है, जबकि आने से पहले इसको मेडिसिन दे के तो फिर हम लेके आए थे, फिर भी वो बार बार आके अपनी मामा को बोल रहा था मामा मुझे दर्द हो रही है, तो बाजी कहते अब घर जाएंगे ना फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी। उसके बाद जी यहाँ पे फोटोशूट हो रहा था, दोनों हालात ही और साथ में मेरी मामा और भाभी और आपी इन सब का इस तरह से बारी बारी जो है ना फोटोशूट भी हो रहा था। ये भी काम जो है ना साथ साथ हो रहा था क्योंकि अभी फंक्शन जो है ना स्टार्ट नहीं था हुआ, इस वजह से फंक्शन स्टार्ट होने से पहले वो फोटोशूट वाले कह रहे थे कि सब लोग अपना जो है ना फोटोशूट करवा लें जिस जिसने करवाना है। तो ये देखें जी सब गेस्ट हमारे आ चुके हैं, बस जो है ना लोग लगे थे आने वाले उन सब का जो है ना वेट हो रहा था यहाँ पे। तो ये मेरी भतीजी है और ये मेरी भांजियाँ हैं जो कि अभी अभी आई थी, तो इनका भी मैंने कहा चलो इनको भी शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इन्होंने भी कल उपटन वाले दिन ही आ जाना था लेकिन जो है ना भाई का कुछ काम आ गया था इस वजह से ये जो है ना आज मेहंदी वाले दिन आई थी। गेस्ट वगैरह आ गए थे, उनके आने के बाद जी खाना लग चुका था, पहले जो है ना खाना खिलाया गया था, उसके बाद जो है ना फंक्शन स्टार्ट हुआ था। पहले खाना खाते हैं, खाने में जी टिक्के थे, साथ में कबाब थे, नान थे, साथ में दाल चावल थे, गुड़ वाले चावल थे, कोल्ड ड्रिंक थी, इस तरह से जो है ना सारा खाना था। आगे का जो फंक्शन है ना वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बस यहीं तक थी जी मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नहीं हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।